राजस्थान के कोटा में महिला पुलिस जवानों ने 7 दिन तक ग्रामीण इलाके में रहने वाली बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन एसपी अमृता दोहन ने सभी बालिकाओं को सम्मानित कर उन्हें प्रणाम पत्र दिया। इस मौके पर सिटी एसपी अमृता दोहन ने कहा कि बालिकाओं को डरने की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ RIT एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हेल्थ केयर की जो ट्रेनिंग दी जा रही थी जिन युवा छात्राओं को, महिलाओं को, तो उनको 7 दिन का सेल्फ डिफेंस का कोर्स भी दिया गया ताकि वो अगर अपने काम में कहीं पर भी अगर अकेली रह रही हैं, बाहर जा रही हैं और काम के सिलसिले में, तो कहीं पर भी उनको ये ना लगे कि वो अकेली हैं, वो सशक्त महसूस कर सकें, सेफ महसूस कर सकें। पुलिस तो उनके साथ हमेशा है ही, लेकिन उनमें खुद में भी ये विश्वास जगे कि वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए वो तैयार है। तो उसी क्रम में आज सभी की जो ट्रेनिंग पूरी हुई है, तो स्वयं उन सबको प्रशस्ति पत्र देने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। जो ग्रामीण परिवेश की जो बच्चियाँ हैं जिनको सेल्फ डिफेंस की वाकई में ही आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका रूटीन का ही काम होता है आने जाने का, आए दिन की बदमाशी, छेड़छाड़, जिस तरह की जो हरकतें होती है, तो उनसे किस तरह से बचा जा सके, तथा इमरजेंसी में कौन से नंबर का इस्तेमाल किया जा सके, ये सब चीज़ों की हमने जानकारी दी है। इसके साथ ही हमने फिजिकल एक्टिविटी में सर उनको पंच से कहाँ कहाँ बॉडी के वीक पॉइंट कहाँ होते हैं वहाँ पर हम अटैक करके अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पे अटैक हो रहे हैं तो हम हमारा डिफेंस कैसे कर सकते हैं सर, वो सारी जानकारी हमने दी है।